जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे समझ आती गई कि अगर मैं 3,000 की घड़ी पहनूं या 30,000 की, दोनों वक्त तो एक जैसा ही बताएंगी। मेरे पास 3,000 का बैग हो या 30,000 का, इसके अंदर की चीजें तब्दील नहीं होंगी। मैं 300 गज के मकान में रहूं या 30,000 गज के मकान में, तन्हाई का एहसास एक जैसा ही होगा। आखिर में मुझे ये भी पता चला कि अगर मैं बिजनेस क्लास में सफर करूं या इकोनॉमी क्लास में, मैं अपनी मंजिल पर तो पहुंच ही जाऊंगी। ब्रांडेड चीजें मार्केटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होती हैं, जिनका मकसद तो अमीरों से पैसा निकलवाना होता है, मगर गरीब इससे बहुत मुतासिर हो रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि मैं आईफोन उठा के फिरूं ताकि लोग मुझे ज़हीन और समझदार माने? क्या ये जरूरी है कि मैं रोजाना मैकडोनल्ड या KFC खाऊं ताकि लोग ये ना समझे कि मैं कंजूस हूं? क्या ये जरूरी है कि मैं रोजाना फ्रेंड्स के साथ गपशप चाय खाना पर जाकर लगाऊं ताकि लोग ये समझे कि मैं रईस खानदान से हूं? क्या ये जरूरी है कि मैं जैडोट, निशात, खादी या एथनिक से कपड़े लेकर पहनूं तो ही अच्छी लगूंगी? क्या ये जरूरी है कि मैं अपनी हर बात में 2-4 अंग्रेजी के लफ्ज ठोंसूं तो ही मुहज्जब कहलाऊंगी? क्या ये जरूरी है कि मैं ब्रिटनी स्पीयर या रियाना को सुनूं तो साबित कर सकती हूँ कि मैं तरक्की याफ्ता हो चुकी हूँ? नहीं यार, मेरे कपड़े आम दुकानों से खरीदे हुए होते हैं। फ्रेंड्स के साथ रिक्शे में भी सफर कर लेती हूँ। भूख लगे तो किसी ठेले से लेकर खाने में भी यार नहीं समझती, अपनी सीधी सादी जुबान बोलती हूँ। चाहूँ तो वो सब कर सकती हूँ जो पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मेरी लाइमलाइट से खरीदी गई एक शर्ट की कीमत में पूरे हफ्ते का राशन ले सकते हैं। मैंने ऐसे खानदान देखे हैं जो मेरे एक मैकडोनल्ड बर्गर की कीमत में सारे घर का खाना बना सकते हैं। बस मैंने ये रास पाया है कि जो लोग जहरी हालत से किसी की कीमत लगाते हैं वो असल में जहनी मरीज है। फौरन अपना इलाज करवाएं, अपनी औलाद को मालदार होने की तरकीब मत दें, बल्कि उनको ये सिखाएं कि वो खुश किस तरह रह सकते हैं, और जब बड़े हों तो चीजों की कदर देखें, कीमत को नहीं। इंसान की असल कीमत उसका इखलाक, बर्ताव, मेल जुल का अंदाज, सिला रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है।